अपडेट आपको मिल पा रहा है, क्योंकि ईडी के 5 सदस्य लोगों का पहुंचना वहां पर, यह भी तो हो सकता है कि सम्मन देना हो कि भाई आप इसे इस तारीख में पेश होइए, क्योंकि अब हाईकोर्ट से आपको कोई राहत नहीं है। देखिए, अगर सम्मन देना होता तो ईडी कभी सम्मन लेकर के नहीं पहुंचती है। 9 सम्मन ईडी ने जारी किया था और उस समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना था। अगर समन जारी करना होता ईडी को तो वो एक और समन जारी करती। अब सवाल इस बात का है कि ईडी जो सवालों की लिस्ट ईडी ने तैयार की है कि कविता के द्वारा और जो सरकारी गवाह है जो अब तक पूछताछ और छापेमारी में ईडी को सबूतों के आधार पर जो तथ्य हाथ लगे हैं उसके आधार पर एक सवालों की लिस्ट ईडी ने तैयार की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस सवालों की लिस्ट देकर के ईडी जब पहुंची है क्या वो पूछताछ करती है, या उन सवालों पर जब जवाब उनसे मांगती है और ये कहती है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने। बिल्कुल बिल्कुल बलराम, इस समय की बड़ी खबर मुझे अपने दर्शकों को बताने दीजिए, मैं 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। वो एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के, नॉर्थ के डीसीपी मनोज मीणा इस समय मौके पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इशारा हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल के घर पर पुलिस बल की जो तैनाती बढ़ाई गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि ईडी अपनी पूछताछ के बाद कोई बड़ा कदम उठाए और उसी को देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एसीपी रैंक यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के कई अधिकारी मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी वहां पर मौजूद है। पुलिस बल की तैनाती जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के चारों तरफ तैनाती बढ़ा दी गई है, संख्या बल बढ़ा दिया गया है। 5 ईडी के अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंचे हैं पूछताछ के लिए, इसलिए कयास लगाया जा सकता है कि कहीं कहीं हो सकता है कि ईडी को ऐसा लगे कि अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर जाना है, और इसीलिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चौकस किया गया है, कड़ा किया गया है। बलराम, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा जब ईडी की टीम पहुंची है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और मांग की जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है उसका वो विरोध करते हैं। अब पार्टी के मुखिया के यहाँ ही ईडी की टीम पहुंची है, स्वाभाविक है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो चिंतित होंगे और वो सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए पूरे प्रदेश में एक तरीके से कहा जाए तो अलर्ट का माहौल है, हर तरफ पुलिस चौकन्ना है और भारी संख्या में सीएम आवास के आसपास। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बलराम इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती, एक सिटिंग सीएम का गिरफ्तार होना, दिल्ली के मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना। अगर वो गिरफ्तार होते, मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ईडी की टीम सिर्फ पूछताछ करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है, लेकिन क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है, चाहे वो मनीष सिसोदिया का केस हमें याद हो, चाहे वो संजय सिंह का केस हो, चाहे वो के कविता का, एक ईडी की लंबी पूछताछ होती है और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। ये पूरा मामला जो है वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम कयास लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि बलराम ये बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी सियासी हलचल पैदा करेगी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है ईडी के द्वारा। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से के कविता को गिरफ्तार किया गया, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ ईडी की टीम पहुंची थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो देखने को मिली हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने नहीं आई है बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने आई है। और जिस तरीके से लगभग 5 सदस्यों की जो टीम है वो ईडी की पहुंची हुई है और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान हैं और अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनको भी वहां पर तैनात किया जा रहा है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए, क्योंकि भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी सीएम आवास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि पूरी दिल्ली में अलर्ट किया गया है कि अगर सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए तो कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए पुलिस जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर सकती है। तो लिहाजा पूरी तरह से आप देखिए सीएम आवास के आसपास जो इलाका है वो छावनी में तब्दील हो गया है, भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं
वो भी तैनात किए जा रहे हैं ताकि जो ईडी की टीम वहां पर पहुंची है उसकी वजह से जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ईडी की टीम कभी भी पूछताछ के लिए पहुंच सकती है, क्योंकि ईडी कोर्ट में बार बार ये कह रही थी कि हमें पूछताछ करना है, क्योंकि जो जांच है वो लगातार प्रभावित हो रही है, वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम लगातार समन जारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होकर के ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए उनके वकील सिंघवी ने ये जरूर कहा था कि वो पूछताछ में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर ईडी ये कहे कि वो गिरफ्तार नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ मेरा अगला एक बड़ा अहम सवाल है, और देखिए जल्दी से हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो दलील दे रहे हैं वो आप देखिए। ये नहीं बताया कि उन्हें बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या बतौर आरोपी बुलाया जा रहा है, चुनाव नजदीक है और इसीलिए हिरासत में लेकर चुनाव प्रचार से रोकने की ये साजिश है। ये लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कहीं भागेंगे नहीं, इसलिए पूछताछ के लिए जब भी ईडी उन्हें बुलाएगी वो पेश हो जाएंगे। बलराम, अब एक और बड़ा सवाल आता है, और ये मैं फिर बार बार अपने दर्शकों को बता रही हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ कयास है, क्योंकि जो पिछले तीन नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या के कविता हो, उनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है, इसीलिए हम ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आज पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि अगला मुख्यमंत्री कौन, अगर मुख्यमंत्री की आज गिरफ्तारी हो जाती है तो बलराम वो कौन चेहरा होगा, कौन नाम है जो कि मुख्यमंत्री पद अब संभालेगा? देखिए आपको बता दें, जब ईडी इस पूरे समन के मामले को लेकर के राउज रेवेन्यू कोर्ट गई थी, उससे पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा था कि ईडी का जो समन, मैं आपको रोक रही हूँ इस समय, एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्यूट किया गया है, डिप्लॉय किया गया है, सीएम आवास पर अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा जो टुकड़ियां होती है उनको तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। सीएम आवास के बाद हलचल जो है वो बेहद तेज हो गई है। टीम ईडी की टीम सर्च वारंट लेकर पहुंची है, इसका मतलब बलराम ये साफ है कि अब ईडी की टीम जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड करने एक तरीके से पहुंची है, सर्च होगी। बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम जब भी पहुंचती है तो वो छापेमारी के तौर पर ही पहुंचती है, और जिस तरीके से ईडी की टीम पहुंची है और सर्च वारंट आप बता रहे हैं लेकर के पहुंची है, तो स्वाभाविक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। लेकिन बलराम यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, और आपको क्या मैं याद दिलाऊंगी, आपको खुद ही ये जानकारी है कि चाहे मनीष सिसोदिया के घर पर ईडी की रेड हुई हो, कुछ नहीं मिला था वहां पर, चाहे संजय सिंह के घर पर रेड हुई हो, वहां कुछ नहीं मिला था, उसके बाद भी गिरफ्तारी हुई थी, तो ये रेड जो है, या ये कहिए कि सर्च जो है, वो एक महज औपचारिकता है, जो ईडी को टीम को करना है वो तो अब वो आगे बढ़ेगी उसी तरीके से। बिल्कुल, देखिए ईडी की अपनी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत वो ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सवालों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने ईडी की टीम रखती है और किस तरीके से उससे पूछताछ करती है। कि आप देखिए, चाहे संजय सिंह की बात की जाए, संजय सिंह ने यही कहा किया कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। मनीष सिसोदिया को भी यही कहा गया कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। बलराम मन में सवाल यही आ रहा है, मन में यही सवाल आ रहा है कि देखिए अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं बहुत मजे हुए नेता हैं और अब तो राजनीति भी खूब अच्छी तरह सीख गए हैं, कहीं ना कहीं उनको ये तो होगा ही दिमाग में कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसे में जरूर भीतर खाने आम आदमी पार्टी में इस बात की चर्चा हो चुकी होगी कि अगर ये गिरफ्तारी होती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि दिल्ली को ऐसे बिना मुख्यमंत्री के तो नहीं चलाया जा सकता, सरकार बिना मुख्यमंत्री के तो नहीं चल सकती। देखिए आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक सर्वे किया और लोगों की राय शुमारी की और ये जानने की कोशिश की कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या जेल में बैठकर सरकार चलाना चाहिए। जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई, आप देखिए चाहे वो नुक्कड़ सभाओं के जरिए हो, चाहे चौपाल के जरिए हो, चाहे डोर टू डोर कैंपेन के जरिए हो, अंदर जाकर के लोगों से बात करने की बात हो, घर घर जाकर के कार्यकर्ताओं ने बात की थी और लगभग एक महीने ये अभियान चला था और उसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि हम जिस तरीके से ये कार्यप्रणाली है ईडी की उसको देखते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जाते हैं
वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार हम जेल से चलाएंगे, अगर कैबिनेट की बैठक भी होगी तो भी हम जेल से ही करेंगे, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। बिल्कुल, देखिए इस समय बड़ी जानकारी जी न्यूज संवाददाता बलराम हमें दे रहे हैं। बलराम पांडे का यही कहना है कि आम आदमी पार्टी ने लगातार जिस तरीके के सर्वे दिल्ली की जनता के बीच किए थे, पोल्स किए थे, उसमें ये तय हुआ था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, चाहे वो जेल के भीतर ही क्यों ना चले जाए। तो जेल के भीतर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे, अगर, मैं फिर एक बार इस बात पर जोर डाल रही हूं, अगर आज ईडी उनको गिरफ्तार करती है। हो सकता है कि आज ईडी की टीम, क्योंकि केजरीवाल के घर पहुंची है, सिर्फ पूछताछ हो, सम्मन की तस्दीक की जाए, और लेकिन आज क्योंकि हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं कयास जरूर लग रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं, दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी जो कि सीनियर अधिकारी होते हैं वो वहां पर मौजूद है, एसीपी रैंक के कई अधिकारी मौजूद है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग भी हो गई है। तो इसी को देखते हुए ये कयास लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी क्या गिरफ्तार कर सकती है। बलराम, बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद की गई है चारों तरफ, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि सीएम आवास के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि अभी ये कहना कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी जल्दबाजी होगी, लेकिन ईडी अपने सवालों का जवाब लेने के लिए वहां पर पहुंची है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें पहले हमने देखी है, ईडी ने लगभग कई घंटों की पूछताछ के बाद ये कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो इसलिए आशंका जरूर जताई जा रही है कि हो सकता है ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती रही है और बार बार ये कहती रही है कि ईडी उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुला रही है, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करें, इससे उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र। बिल्कुल बिल्कुल बलराम, एक तरफ तो ये चुनाव प्रचार रोकने की कोशिश की जाए, और उधर क्योंकि इलेक्शन कमीशन की साइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पड़ चुका है, अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एकजुट होकर बीजेपी पर हमलावर होंगे कि साहब क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पड़ गया है, और इसीलिए इस खबर से भटकाने के लिए या इस पर चर्चा ना हो, दिल्ली पुलिस की तैनाती में ईडी की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। एक बार मुझे लगता है कि अब ये सियासी दंगल शुरू होने वाला है, और कल 24 घंटे होते होते तो ये अपने चरम पर होगा अगर ये गिरफ्तारी हो जाती है। बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है ईडी, तो उसकी तस्वीरें कल सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम सड़कों पर उतरेंगे और हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, और अभी कुछ ही देर पहले दिल्ली की जो कैबिनेट मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा कि ईडी ये क्यों नहीं बताती है कि लगभग 2 साल की जांच में उसे सबूत के आधार पर क्या मिला, सिर्फ गवाहों के आधार पर इस केस को तैयार किया जा रहा है, सिर्फ जो आरोपी हैं उन्हें डरा धमका कर सरकारी गवाह बनाकर उनसे बयान लिए जा रहे हैं, और जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं और जिस तरीके के गंभीर आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है। प्रेस वार्ता करके कुछ ही देर पहले ही आतिशी ने ये बताया कि हमें आशंका है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, और प्रेस वार्ता के कुछ ही देर बाद आप देखिए ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है, और उसके बाद आप देखिए जो सुरक्षा घेरा है वो किस तरीके का नजर आ रहा है, भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां वहां पर तैनात की गई, जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और किसी भी तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं बलराम, मैं आपको रोकूंगी, ये सीधी तस्वीरें हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर ये वर्दीधारी दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं, ये जवान हैं, वो तैनात हैं, और ये देखिए सौरभ भारद्वाज हमें दिखाई दे रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए इस समय और फोन पर बातचीत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की ये सीधी तस्वीरें इस समय आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। वहां पर दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद हैं, ईडी की जो टीम है जिसको हमारे